तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो प्राइवेट शेयर वाला आपको एक ऑप्शन मिलता था, या बोल सकते हैं प्राइवेट शेयर वाली एक आपको एक सेटिंग मिलती थी। आज उसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट के साथ बहुत बड़ा वहाँ पर चेंजेस किया गया, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही शानदार वहाँ पर एक नया अपडेट दिया गया, नया फीचर एड ऑन किया गया जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, आपको आपको सब कुछ बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों आगे, और सबसे जरूरी चीज़ यार भाई व्हाट्सअप पे भी फॉलो कर लेना। व्हाट्सअप पे भी मैंने चैनल बना लिया भाई ने, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर व्हाट्सअप पे भी फॉलो करना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे, मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बताने आ रहा हूँ प्राइवेट शेयर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में चले जाना है। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप देखेंगे आपको प्राइवेट शेयर में एक नया अपडेट यहाँ पर मिल रहा होगा। यहाँ अपडेट में जाने के बाद आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 5 अक्टूबर 2023 को उस अपडेट को रोल आउट किया, मतलब आज ही के दिन इस अपडेट को रोल आउट किया गया है। इसका नंबर है 1.2.01.15 और यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या मेजर चेंजेस किया गया। प्राइवेट शेयर विल बी इंटीग्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ क्यूक शेयर आर प्राइवेट शेयर फीचर विच बी अवेलेबल विद द प्राइवेट शेयरिंग फंक्शन इन क्यूक शेयर। इनका कहना है प्राइवेट शेयरिंग का जो ऑप्शन था वो क्यूक शेयर के अंदर एड ऑन कर दिया गया है या मर्ज कर दिया गया है, और वहाँ पर आपको प्राइवेट शेयरिंग नाम से वहाँ पर फंक्शन मिलने वाला है क्यूक शेयर के अंदर, ऐसा इनका कहना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर पहले जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एरर दे देगा कि प्राइवेट शेयर यहाँ पर बंद हो चुका है, प्राइवेट शेयर पे आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको अब कुछ करना है तो आप क्यूक शेयर में जाके प्राइवेट शेयर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास आ ही रहा होगा, आप देख सकते हैं। अभी कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको गैलरी में जाने के, जब आप किसी चीज़ को शेयर करने जाएंगे किसी चीज़ को, वहाँ पर आपको क्यूक शेयर पर क्लिक करना है। क्यूक शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स पर चले जाना है। 3 डॉट्स पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टर्न ऑन प्राइवेट शेयरिंग वाला फीचर। आप डायरेक्टली प्राइवेट शेयरिंग वाला फीचर हट जाएगा, वो क्यूक शेयर के अंदर ही इंटीग्रेटेड हो गया है, बोल सकते हैं क्यूक शेयर के अंदर ही मर्ज हो गया है। अब बिना इसके आप प्राइवेट शेयरिंग वाले फीचर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो आप क्यूक शेयरिंग के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है। क्यूक शेयर प्राइवेट शेयरिंग दोनों को मर्ज करके यहाँ पर बता रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर इसका जो भी आप यहाँ पर जो भी आपका टाइम पीरियड है यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं। सेट आउट करने के बाद यहाँ पर आपको उस कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको भेजना है, और वो वहाँ पर आप शेयर आउट कर पाएंगे। तो यही नया अपडेट था प्राइवेट शेयर की तरफ से, या बोल सकते हैं क्यूक शेयर की तरफ से, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मेरे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे, हो सके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।